देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। आज एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी दरअसल यह है कि एक मुल्क था जहाँ का एक राजा था। राजा वहाँ पर अपने लोगों के लिए नौकरी निकालता है, उन्हें काम देने की कोशिश करता है। जब उन्हें काम देने की कोशिश करता है तो उसके लिए जरूरी दस्तावेजों को जमा करना होता है, साथ ही साथ बकायदा एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैकेंसी होती है। इसके साथ ही साथ पेपर कितने दिन में होगा, कैसे होगा, क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ बताता है। उसके लिए बकायदा राजा एक एजेंसी को हायर करता है, जिस एजेंसी का काम होता है उन नौकरियों को करवाना, उस एग्जाम को कंडक्ट करवाना, ताकि वो नौकरियां दी जा सके। ये सब कुछ होता है, लेकिन नौकरियां हो भी जाती हैं, फिक्स भी हो जाती हैं, इतनी इतनी नौकरियां मिलेंगी। वहां के लोग, पूरी प्रजा एक साथ एक बड़ा जो उसमें आंकड़ा होता है उस एग्जाम को देता है, उस पेपर को देता है, उस पर्चे को देता है, लेकिन पर्चे के लिए कैसे खर्चा निकालता है ये कोई सोच भी पाता उससे पहले ही रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं। जिन लोगों को नौकरियां मिल जाती हैं राजा के दरबार में, उन लोगों के द्वारा अपने अपने घरों में मिठाई खिलाई जाती है। उनके घर की माता, उनके घर के पिता, उनके घर के भाई, उनके घर की बहनें, हर कोई मिठाई खा ही रहा था, मुंह मीठा कर ही रहा था, तब तक पता लगता है कि राजा का एक दरबारी आता है और सारी मिठाई पर मट्ठा डाल देता है और मिठाइयाँ छीन लेता है, वापस कर लेता है। वो बताता है कि जो दरअसल आपने पर्चा भरा था उसमें एक बड़ा खर्चा किया गया है और खर्चा करने के चक्कर में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चक्कर में बहुत सारे काले लोग जो कि अपराधी थे, जिनकी आपको एक तरफ तस्वीरें दिख रही होगी। अपराधी हमेशा काले लिबास में ही, मैं इसलिए दिखाने की कोशिश करता हूं क्योंकि इनके जीवन में जो अंधकार है ये दूसरों के जीवन में डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर अपराधी ये हैं तो सजा इनको क्यों है? अब ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अपने घर पर मिठाई खिला रहे थे, लेकिन उससे पहले ही सरकार के लोगों ने यह बता दिया कि अब मिठाई खाने का समय क्या, अब मिठाई नहीं, अब आंसुओं को पीछे। ये बात मैं जो बता रहा हूँ ये कोई पाषाण काल की कोई कहानी नहीं है, या फिर 10वीं ईस्वी या 21वीं ईस्वी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यह आज के भारत की कहानी है। आज के भारत में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर ये सच हुई है, और ये सच इसलिए है क्योंकि ये किसी भी तरीके की कल्पना पर आधारित कहानी नहीं बल्कि सत्य घटना पर आधारित कहानी है। राजस्थान की मैं आज बात कर रहा हूँ। राजस्थान में रीट एक एग्जाम है जिसको कराया गया था, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। इसका लेवल टू का एग्जाम था। ये लेवल टू का एग्जाम दरअसल टीचर्स के लिए ही होता है, प्राइमरी हो अपर प्राइमरी हो उनके लिए होता है। इस एग्जाम को कराया गया था, 30,000 के आसपास वैकेंसियां थी और 16,00,000 के लगभग लोगों ने इन वैकेंसियों के लिए आवेदन कर दिया, परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद रिजल्ट भी घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद सरकार की तरफ से इनको बताया गया कि नहीं भैया, जो रिजल्ट घोषित हुआ है वो रद्द किया जा रहा है। और ये 7 फरवरी का वाक्या है। आज जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो 21 फरवरी का दिन है। 7 फरवरी से 21 फरवरी तक ये लोग रोजाना रो रहे हैं और रोते रोते ये एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो खुशियाँ थीं उनको छीनने का हक आखिर सरकार को दिया किसने? तो 300 लोगों की गलती के लिए इतने सारे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आखिर सरकार को दिया किसने? ये लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, इसलिए सरकार का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि सरकार विपक्ष किस भूमिका में है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सरकार और विपक्ष सबकी झालर जो है वो जगमगा रही है। तो सबकी झालर कुछ इस कदर जगमगा रही है, ये आजकल की राजनीति का सबूत है जो राजस्थान में हम देख पा रहे हैं। राजस्थान में एक तरफ सरकार है और अगर सरकार कोई काम ऐसा कर दे जो जनता के प्रति ठीक ना हो तो उसके लिए विपक्ष भी है, विपक्ष की भूमिका भी है। और ऐसे में विपक्ष सरकार, मसलन पूरी जो राजनीति है राजस्थान की, आज वो किस तरह जगमगा रही है ये देखिए। तो राजस्थान की राजनीति इस तरह से जगमगा रही है, लेकिन जनता दरअसल क्या कर रही है उसको सोचना भी आवश्यक है, जरूरी है। तो जनता दरअसल काफ़ी परेशान है और इसको लेकर आज जो रीट के जो पास आउट थे उनका कहना है, जिन्होंने रीट का एग्जाम पास किया था, आज वो प्रदर्शन करने जयपुर पहुंच गए। तो प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखवाता हूँ। ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जो आज ये लोग करने पहुँचे थे। ये वो फोटोज़ हैं जो आज के प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। रीट लेवल टू को बहाल करो, इनकी लगातार जो मांग है वो अभी तक जायज़ है, लेकिन इस मांग को लेकर क्या कुछ हुआ ये अभी तक नहीं पता लगा है। तो ऐसे में ज्ञापन भी दिया गया है, ज्ञापनों का दौर भी है, हर चीज़ ठीक ठाक चल रही है, लेकिन अभी तक जो चाहिए था वो नहीं चल रहा है। मतलब सरकार ने अभी तक इनकी सुनी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई अच्छा, जिसको हम बताते हैं परिणाम, या फिर अच्छा स्टेटमेंट सरकार की ओर से सुनने को नहीं मिला है। इसको लेकर अशोक गहलोत से लगातार मांग की जा रही है। अशोक गहलोत साहब के लाखों ट्विटर पर फॉलोअर हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि अशोक गहलोत को इनकी पीड़ा क्यों नहीं सुनाई दे रही, क्योंकि ये लोग तो दिन रात रोजाना सुबह शाम, मंगल हो, बृहस्पतिवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक
मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी तरीके का इनको लेकर इनके जवाब में किसी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, किसी भी तरीके का कोई ट्वीट नहीं आया है। मसलन अशोक गहलोत साहब वो हैं जो छोटी छोटी घटनाओं पर भी ट्वीट करना जानते हैं और हर तरीके की घटनाओं को अगर वो सरकार की प्रशंसा से जुड़ा हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। लेकिन इसी बीच एक रीट संघर्ष समिति है जो कि आजकल रीट से संबंधित जो लोग हैं उनके युवाओं की लड़ाई लड़ रही है और एक साथ आए हैं, तो इनका ये ट्विटर हैंडल है रीट संघर्ष समिति, जिसको भूपेंद्र जी जो हैं वो चला रहे हैं। तो उनका कहना है, अब बिग ब्रेकिंग देना हमारा काम है लेकिन वो हमको ब्रेकिंग दे रहे हैं तो उस ब्रेकिंग को पढ़ के दिखाना भी बेहद आवश्यक है। तो दरअसल उनकी तरफ से जो ब्रेकिंग दी गई है उसमें यह है कि रीट लेवल 2 की बहाली से जुड़ा हुआ जो केस है वो लिस्टेड हो गया है, मतलब सबमिट हो गया है और कल यानी 22 फरवरी को जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल साहब इस मामले की सुनवाई करेंगे। तो ये एक बड़ा मामला है और इसको बता दूं कि इसको लेकर जो ब्रेकिंग है वो रीट संघर्ष समिति के द्वारा दी गई है। इन्हीं को कोट करके आपको बता रहा हूं, मतलब जो सोर्स और सूत्र की जो बात होती है मीडिया के लैंग्वेज में वो इसी तरह से होती है। तो रीट लेवल 2 बहाली से जुड़ा केस लिस्टेड हो गया, ये बड़ी ब्रेकिंग जो है वो मुझ तक पहुंचाई गई है। कल यानी 22 फरवरी को जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल साहब इसकी सुनवाई करेंगे। तो अब ये मामला आगे बढ़ चुका है, सुनवाई होनी है, सरकार किस तरीके से जगमगा रही है मैंने ये आपको दिखा दिया। इसके अलावा किस तरीके से जो लोग टॉपर हैं ये तस्वीर बहुत ज्यादा अपने आप में भावों को समेटे हुए है। जो लोग टॉपर हैं, जिनको नियुक्ति देनी चाहिए थी, जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, वो बहन बेटियां, वो युवा, वो बेटे, वो किसी के पति भी हो सकते हैं, ये सभी लोग, सभी टॉपर आज बैठने को मजबूर हैं, प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा अगर आप नेताओं की बातों पर भरोसा करते हैं तो जरा मुख्यमंत्री साहब का ये बयान भी आपको सुनना चाहिए, जहां पर मुख्यमंत्री साहब जो बात कह रहे हैं वो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री साहब तो इस बात से कभी पलटेंगे ही नहीं, हालांकि पलट गए लेकिन फिर भी सुनवाते हैं। कोई बुरा मानी की बात नहीं होती, मुझ पर कोई दबाव बनाए धरना दे दिया बारे में, इस बारे में बच्चे जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आगाह करने जाते हुए हमारी मांग है, आप गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटी होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है, पर जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है, मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, नुकसान क्या उसका, डेमोक्रेसी है। अशोक गहलोत साहब को आप सुन रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, इनकी बात पर अगर भरोसा किया जाए तो दरअसल बड़ी मार्मिक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेटमेंट बहुत गहरा है, इनका कहना है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अगर एक ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊं, अगर जहां पर ये कह रहे हैं कि चाहे अगर विपक्ष इतना दबाव ना बनाता, विपक्ष अगर इतनी ज़्यादा बातें ना करता, विपक्ष इस तरीके से परेशान ना करता तो शायद ये दिन देखने को ना सामना ना पड़ता। लेकिन खैर, इन्होंने अभी रद्द कर दिया है। रद्द करने को लेकर लगातार जो लोग हैं, जो इससे पीड़ित हैं, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि बहाल कर दो, बहाल कर दो। और मैं आज उनकी आवाज़ हूँ और ये कार्यक्रम जनता के लिए ना होके आज दरअसल सरकार के लिए, सरकार को इस कार्यक्रम को अवश्य रूप से देखना चाहिए। और जनता के लिए तो बस एक ही मैसेज है जो मैंने सुबह भी दे चुका हूँ कि आप निरंतर प्रयास करती रहिए, ये लोग भी निरंतर अपने तरीके से प्रयास करते रहेंगे, आपको पहले ना सुनने की कोशिश करेंगे, आप कितना भी बोलिए ये ना सुनने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इनको आपको सुनना होगा और ये जब आपको सुनेंगे तब आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जब आप समझेंगे नहीं तब एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको डराने की कोशिश करेंगे, और जब आपको डरेंगे नहीं तब ऐसा भी एक वक्त आएगा जो एक्सट्रीम होगा, जब आपको लाठियों का डर भी दिखाया जाएगा। तो जब लाठियों के डर को भी आप पार कर जाएंगे तब अगली जो रोज होगी, अगली जो सुबह होगी उसमें आपकी जीत। तो जीत की सुबह का इंतजार हर किसी को होना चाहिए और रात इसी के साथ होनी चाहिए कि आज हमने किस तरह का संघर्ष किया, क्या हम अपनी लड़ाई लड़ सके, क्या हमने अपनी लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा। अगर लड़ाई ईमानदारी से लड़ी गई है तो जीत भी पूरी ईमानदारी के साथ ही मिलेगी और एक बार फिर मिठाई बटेगी। लेकिन इसको लेकर मैंने जैसा कि शुरुआत में ही कहा था कि सरकार और विपक्ष हर कोई अपनी झालर को जगमगा रहा है, मतलब अपनी राजनीति को जगमगा रहा है, लेकिन अगर इसको लेकर विपक्ष की भूमिका पर भी गौर किया जाए, जो विपक्ष कल तक इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर, इसके एग्जामिनेशन को लेकर, परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहा था, हर तरीके के सवाल उठा रहा था, जबकि एसओजी गठित की जा चुकी थी, जांच चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद दबाव बनाता गया, दबाव बनाता गया, दबाव बनाता गया, और सरकार ने इस दबाव में ताकत नहीं दिखाई, कमजोर पड़ गए और सरकार ने इन भर्तियों को रद्द कर दिया।
लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच का जो मामला है उसको लेकर तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसको लेकर क्या होना चाहिए था वो ज्यादा जरूरी था, लेकिन आज विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। ये एबीवीपी के लोग हैं जिनको मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, काले झंडे दिखा रहे हैं सरकार के लोगों को। बीजेपी के प्रदर्शन के विजुअल्स थे, मतलब बीजेपी जो है विपक्ष की भूमिका इस तरह से निभा रही है। मतलब विपक्ष की भूमिका जो दरअसल ये होनी चाहिए थी कि आप किस तरीके से आप जनता की आवाज बन रहे हैं, किस तरीके से आप सरकार अगर कुछ गलत कर रही है जो जनता के लिए ठीक नहीं, जनता को उससे लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज हुई है, तो आप विपक्ष की भूमिका दरअसल ये थी कि उनके लिए आवाज उठाए। लेकिन विपक्ष दर्शकों आवाज ना उठाकर वो दरअसल अपने फायदे की आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये दरअसल बस इसलिए है कि अभी और जैसे भी इस मुद्दे का सहारा लेकर कैसे भी सरकार को और ज्यादा घेरने की कोशिश की जाए। इसको लेकर कोई भी पीछे नहीं है। किरोड़ीलाल मेला साहब हैं, उनको लेकर तो इतने सवाल उठ रहे हैं और वो भी पूरी तरीके से सवालों के घेरे में ही हैं, तो उनको उन पर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, उनको लेकर भी तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं और उनको लेकर जो सवाल हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना जरूरी होगा कि ये प्रोटेस्ट किस तरीके से किया गया था। तो प्रोटेस्ट किस तरीके से किया गया था इसको हम दिखवाएंगे कि एक वीडियो के जरिए कि प्रोटेस्ट आखिर हुआ कैसे था। तो आज का प्रोटेस्ट का वीडियो जो है डायरेक्टर साहब, आज का प्रोटेस्ट का जो वीडियो है तो उसको चलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि किस तरीके से आज जो पूरी घटनाक्रम हुआ है, अब ये सड़कों तक युवा निकल आए हैं। तो अब ये लोग अपनी मांग को लेकर सड़कों पर हैं, और सड़कों पर जब आ गए हैं तो आ ही गए हैं। अब सरकार कब तक नहीं सुनेगी, आखिर ये लड़ाई जो है अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि सरकार है एक तरफ जो अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी हुई है और इतनी कमजोर है कि दरअसल विपक्ष के दबाव का बहाना बना रही है कि विपक्ष ने हम पर इतना दबाव बनाया कि हमको ये रद्द करना पड़ा। तो क्या विपक्ष और सरकारें अब लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए काम ना करते हुए दरअसल अपनी अपनी सत्ता को बरकरार रखना या परिवर्तन की डोर बांधकर खुद की सत्ता को हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है? तो क्या यह विपक्ष और सरकार की लड़ाई है सत्ता के लिए, या फिर यह जनता के लिए भी लड़ाई हो सकती है? लेकिन आज का जो प्रोटेस्ट का वीडियो है रॉ फुटेज है, इसमें कोई भी कट नहीं मारे गए, और डायरेक्टर साहब इसको फुल टू चलाइए इन और आउट करके। लेवल टू बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, गहलोत सरकार दया करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, रीड लेवल टू बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, रीड लेवल टू बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, गहलोत सरकार दया करो, दया करो, दया करो, रीड लेवल टू बहाल करो, बहाल करो।
तो ये प्रोटेस्ट का वीडियो है। अब मैं सरकार से अगर यही बात करना चाहूंगा, साथ ही साथ विपक्ष के अगर नेता सुन रहे हो तो उनके लिए भी यही बात है कि काले झंडे लेकर जो आज आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, काश वही काले झंडे लेकर आप इन प्रोटेस्ट के बीच में चले जाते। ये प्रोटेस्ट कहां चल रहे हैं ये मुझसे पूछ लेते, मैं आपको एड्रेस बता देता और साथ ही किन लोगों से इस प्रोटेस्ट के लिए मिलना है वो भी मैं आपको बता देता और कौन कौन लोग इस प्रोटेस्ट को लेकर लीड कर रहे हैं या फिर कौन कौन लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट से इतने ज्यादा पीड़ित हैं, अगर उनकी आपको खोज खबर ना हो तो मुझसे पूछ लेते, मैं आपको बता देता। अगर झंडा बैनर लेकर सरकार को आप इस मसले के लिए घेर सकते हैं कि किसी तरीके से और दबाव बनाकर आप सत्ता किसी तरीके से काउंटर करके हासिल कर लें तो वो ठीक है, आपका पेशा है, आपको मुबारक है, आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन जनता के लिए कौन सोचेगा? अगर विपक्ष नहीं सोचेगा और विपक्ष इस तरीके के टेंट्रम्स में लिप्त रहेगा तो आखिर फिर कौन सोचेगा? इस चीज को हम ही सोच रहे हैं फिलहाल और इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि मैं जो बात कह रहा हूं ये स्वयं अपने मन से या किसी तस्वीरों या किसी खबर के हवाले से कह रहा हूं। मेरे पीछे या मैं यूं कहूं कि मेरे साथ या फिर मैं यूं कहूं कि मेरे आगे हजारों का कारवां है और जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी आवाज बनने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथ ही जो लोग इस प्रोटेस्ट में हैं उनसे मैं पहले तो माफी मांगना चाहूंगा कि दो दिनों से आपके बीच आ नहीं सका, आपकी आवाज बन नहीं सका। साथ ही साथ आज लोगों ने मुझे आमंत्रित भी किया था लेकिन क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव की व्यस्तताएं हैं और बाकी और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं वक्त आने पर आप सभी के साथ साझा भी करूंगा और अलग से पर्सनल भी आपसे बात करूंगा और आपके बीच जरूर आऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि वो दिन जरूर आएगा जब जीत की खुशी होगी और मिठाई खाने मैं आपके घर आऊंगा, ये आपसे वादा है, ये मैं सच में कह रहा हूं और इस बात को मेरे ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी लड़ाई ईमानदारी के लिए है और जहां ईमानदारी की लड़ाई होती है वहां कभी भी पराजय नहीं मिलता, कभी भी पराजय नहीं, क्योंकि सत्य निराश हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी दो बहनें जिनकी वीडियो में इसलिए दरअसल दिखाता हूं ताकि आप ये समझ सकें और ये सरकार को दिखाने की कोशिश की जाती है कि जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आगे बढ़ाओ इस तरीके की बातें होती हैं, वहां पर अगर ये दो बेटियां रो रही हैं ना तो यहां पर हम भी फेल हैं, आप भी फेल हैं, हर कोई फेल है और सोसाइटी के तौर पर हम सभी फेल। हमारी दो बहनों की वीडियो चलाई, अब ये वापस नयों के साथ हमें क्यों सीट रही हो, हमारी 3 साल की मेहनत तो वो तो खराब कर दी ना, 2 पेपर होंगे पता नहीं कब होंगे और 2 पेपर में नया सिलेबस नया पैटर्न, रद्द यूपी में भी हुई थी, 1 महीने के अंदर उसी पैटर्न पर दोबारा एग्जाम करवा लिया था, हमारा तो जुलाई में एग्जाम वो भी दूसरे पैटर्न पर, हमारे पिछले 3 साल वाली मेहनत का क्या होगा, उसका क्या होगा, किसी से ना सोचा, नहीं सोचा, कोई नहीं सोचता गरीबों की तरफ, सिर्फ जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं जो इन आंदोलन में जाते हैं, अब यहाँ मीडिया तो उनको ही दिखाती है, हाँ ये हो गया रद्द करवा लिया, अब खुश हो सारे, ठीक है मिल गई शांति सभी को, हमारा तो किसी ने नहीं सोचा ना, सोचोगे भी नहीं। मेरी कैंडिडेट जिनकी परीक्षा निरस्त की गई है L2 वालों की, सरकार ने अभी मेरी परीक्षा निरस्त कर दी है, जो हमने सोचा नहीं था अचानक से हमें धक्का दिया गया, किनारे तक लाके हमें धक्का दे दिया गया, क्योंकि हम उनसे काउंसलिंग के फॉर्म भराए जा रहे थे, हम डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे थे, अब हमारी ये स्थिति हो गई है, अब हमें ये लगता है कि हमें अंधेरे कमरे में डाल दिया गया है और हमारा दम घुट रहा है, रात को जब भी नींद खुलती है अचानक से इसी चीज़ की याद आती है और हमारे रो रो के बुरा हाल हो जाता है, पर हम किसी से नहीं कह सकते, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, चुपचाप कि अब हमें यूँ बोला जाता है कि चुपचाप आगे की पढ़ाई करो, हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे 2019 से, मैं तो 2019 से नहीं, मैं 2014 से कर रही थी और मेरी फर्स्ट ट्रीट में अच्छी नहीं आए, सेकंड में आए थे बट मैं रह गई थी, तो मुझे लगा मेरी मेहनत में कमी है तो मैंने इस बार की अच्छे से की, पूरी दिन रात 25 तारीख तक का रिकॉर्ड है मेरा लाइब्रेरी में, मैंने पढ़ाई की है, बहुत से बोलते हैं तेरे तो नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि तेने पेपर खरीदा होगा, क्योंकि मेहनती वालों के लिए सब यही बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, इन लोगों की संख्या ज़्यादा थी, फेलियर स्टूडेंट्स प्लस वो लोग जो नेता विपक्ष वाले ये सब लोग उनको तो बस एक इन्होंने घी डालने का काम किया है विपक्ष वालों ने कि मुद्दा मिल गया अपन उठाएं, इन सब के बीच में हम लोग दबते जा रहे थे, हमारी आवाज़ किसी ने नहीं उठाई, पर हम बहुत बहुत ज़्यादा अवसाद में घिरे जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं अपने आप में, हम किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे क्योंकि हम किसी से कुछ बोलते हैं तो कितने तो पैसे दिए होंगे, तेरे पैसे नहीं मिल रहे तुझे वापस, इसीलिए तू ये करना चाहता है, हर एक यही बोल रहा है तो वो डबल पीड़ा होती है, डबल डबल दर्द मिल रहा है हमें, कुछ नहीं हो रहा हमारा,
माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, वो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, कृपया करके अपने राजस्थान के युवा बेरोजगारों का साथ दीजिए, मेहनती बेरोजगारों का साथ दीजिए, दोषी जो है उन्हें बाहर कीजिए। आप जो SOG टीम आपने लगा रखी है, जब वो छोटे स्तर पे काम की कर रही है तो उन्हें बड़े स्तर पे लगाइए। प्लीज़ प्लीज़ सरकार हमारे ऊपर ध्यान दीजिए, हमें नई भर्ती में मत डालिए, हम और ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। इतना हमने किया, मेंटली आर्थिक तौर पे मानसिक तौर पे दोनों तरह से हमारा बहुत शोषण होता है, हम दोनों का तालमेल बैठा पाते हैं, जब जाके इतने मार्क्स आ पाते हैं, हर वक्त ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बन पाती। सरकार आप समझे, ऐसे रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है, हमने बहुत परिस्थितियां देखी उसके बाद ही मिला है। तो ये हमारी दो बहनों की तस्वीरें आपको दिखाई हैं। अब इनकी जो मार्मिक अपील है उसको मैं बार बार चला रहा हूं और रोजाना प्ले करता रहूंगा, जब तक ये सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, जब तक ये अहंकार में जो सोती हुई मदमस्त सरकार है, जब तक आपके पास ये वीडियो नहीं पहुंच जाते, तब तक इन वीडियो को यूं ही प्ले करते रहें, क्योंकि इनमें जो मार्मिक अपील की गई है वो हर किसी के लिए सुनना जरूरी है। जो आज पहली दफा मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, और सरकार का अगर कोई भी नुमाइंदा इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मेरा आग्रह है हाथ जोड़कर कि जिस चीज के लिए आप अपॉइंटेड हैं उस चीज के लिए काम करिए। आप दरअसल जनता के ऊपर नहीं है बल्कि जनता आपके ऊपर है, और जनता इस वक्त रो रही है अगर, और आपको निर्देश दे रही है कि उनकी मांगों को सुनिए और रीट की भर्ती जो है उसको बहाल करिए, तो आपको सुनना जरूर चाहिए। इसको लेकर आपका क्या टेक है, क्या वर्जन है, क्या कॉमेंट है, क्या काउंटर है, उसको भी आपको बताने की आवश्यकता है, जरूर बताइएगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया। देखिए भारत @9 काबेंद्र चौहान के साथ।